फ्रेंड्स, तो आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज एंड लेवी स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, ऑल थिंग्स हम देखने वाले हैं, साथ में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो थ्री कंसेप्ट सिंगल शॉट वीडियोस में देखने वाले हैं। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा। नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये सारे देखो स्टूडेंट्स हम क्लास 11 की केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, या बेस है आपका। तो क्लास कहते हैं ना कि आपकी जैसे जब कोई भी आप घर बनाते हो तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तो ऐसे ही है। 11th 12th आपका मेन है, उसके बाद की केमिस्ट्री आपको काफ़ी ईजी लगती है, तो 11th के टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं, उनकी अच्छे से नॉलेज हो जाती है, तो 12th बिल्कुल ही आसान लगेगी, वो तो उसे 50% ही कम है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो ये जैसे आपकी यूनिट फर्स्ट में आपने सब बेसिक चीज़ें हमने सीखी हैं, एटम मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, कैसे आप मोल कैसे निकालते हो, मोल कंसेप्ट्स कैसा था, कंसंट्रेशन ड्रम। फिर यूनिट टू में हमारे एटम के बाद में आपने पढ़ाते कुछ स्टेप वाइज चीज़ें चलती हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं क्या आपके पास, फिर उनके चार्जेस के बारे में हम डिस्कशन किया, जैसे थॉमसन आया उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन दी, देन रदरफोर्ड उन्होंने एक्सप्लेन किया न्यूक्लियस के बारे में, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की, फिर कुछ थ्योरीज पढ़ी हमने क्वांटा लाइट के रिगार्डिंग कितने कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रा। फिर यूनिट थ्री में हम आ चुके थे प्रेडिक्ट टेबल्स के ऊपर, क्योंकि उस टाइम ऐसे नहीं हुआ था कि आज के अभी आपको पता है अभी जो टेबल्स में देखते हो मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, बट अभी 120 दो दिन और हो चुके हैं डिस्कवरी, ऐसे नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, किसी ने 30 किए, फिर डोबर ने राइफ ने 63 हुए थे, फिर न्यूलैंड डायमंड, तो उनके बारे में आपने पढ़ा कि पूरे प्रेडिक्ट टेबल आप देखते हो जो चार इशू में डिवाइड कर रखी है कि ए का ब्लॉक है, पी है, डी एफ है, हर एक का। अब आप ये सोचिए कि अगर प्रेडिक्टेबल नहीं होती तो हमें 118 एलिमेंट्स की इंडिविजुअली प्रॉपर्टी सीखनी पड़ती, तो कितना डिफिकल्ट काम आपको कह दिया जाए कि 118 एलिमेंट्स की इंडिविजुअली प्रॉपर्टी देखिए कि क्या है, कैसा नेचर है, ऑल थिंग्स। अभी आपको चार ग्रुप्स की मेन ओवरऑल प्रॉपर्टी पता चल जाती है, अगर ब्लॉक आपको पता है पी डी एंड एफ, एक तो आपको कहते हैं 118 का लर्न करो, एक चार का, तो कौन सा ईजी अपने लिए, बेसिक से बात है 4 का ईजी है। तो दैट्स व्हाई पीरियडिक टेबल्स के बनाई गई, आपके एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे से अरेंज किया गया, कुछ प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी वैसे। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो अपनी क्लास 11th की यूनिट होती है केमिकल बॉन्डिंग, कौन सी होती है स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग। लाइक दैट अभी स्टूडेंट में बुक जब बनाई जा रही थी कि यहाँ तक स्टूडेंट्स के माइंड में इतना कंसेप्ट हो चुका है कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अब आप देखते हो कई बच्चे ऐसे, जैसे सपोज हम H2 बना रहे, तो आप देखते हो ना स्ट्रक्चर ऐसे लिखा होता है, ऐसे लाइन, ये लाइन डंडा ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जिसे दो थिंग्स बाइंड हैं, दो चीजें बाइंड हैं, जैसे पेरेंट्स का लव होता है बच्चों के वैसे, वो दिखाते हो क्या 5 किलो है, 6 किलो, ऐसे कुछ नहीं करते ना, है अफेक्शन होता है, ऐसे टीचर्स का बच्चों के साइड हो गया, तो वैसे ही जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड तो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिससे ये दोनों आपस में बंधे होते हैं। वो बॉन्ड के अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े थे इस यूनिट्स में, वो हमने वीडियोस बना रखी है आयनिक बॉन्ड की, ये बॉन्ड जो बन रहा है वो दोनों ने इसने कंप्लीट दे दिया हो, सपोज ऐसे समझ लीजिए, मान लो इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, हम आपको समझा रहे हैं सिंगली, सपोज इसके पास मान लो 21 रुपए थे, ओके इसके पास 9 रुपए थे, अब ये चाहता है कि 10 रुपए हो जाए, तो ये अपने 10 रुपए का कोई आइटम ले ले, कोई भी, सपोज 10 रुपए वाला पेन ले ले समझाने के लिए, या नोटबुक ले ले। अब इसके पास 21 है, ये अगर 20 है तब भी स्टेबल है, क्योंकि 1 रुपए से इसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और 20 होने से और अच्छे से आपका काम करता, तो ये 1 इसको दे देगा, इसने कंप्लीट इसको दे दिया, जब इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, आपस में दे रहे हैं तभी, है ना। अब इसके 9 थे, इसके 10 हो गए, ये स्टेबल हो गया, तो वो वाला जैसे हमने इनिशियल में भी देखा था, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 281 लास्ट सेल में एक होता है, तो वो कंप्लीट दे दिया उसने, और इसके पास 9 थे, इसके पास कितने हो गए 10, कंप्लीट एक्सेप्ट कर लिया। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग अगर दोनों के बीच में हो रहा है तो उसको हम क्या बोला था, आयनिक। कोवलेंट क्या था, मान लो 5 रुपए इसके पास है, 5 इसके पास है, 10 रुपए कि गए और कुछ नोटबुक खरीद लिए और उसका दोनों यूज कर रहे हैं बराबर, तो इक्वल शेयरिंग से जब बनाए, बराबर की हिस्सेदारी है दोनों की, वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। इस टाइप से आप करोगे जनरल से लेकर, तो आपको याद ज्यादा अच्छे से रहेगा, ठीक है, भूलोगे नहीं आप चीजों को। नेक्स्ट कौन सा था, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के क्या अंदर क्या है आपका, इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास 12th की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक पूरी सेपरेट यूनिट भी है, उसमें आप डिटेल डिस्कशन करते हो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हाउ कैसे बनता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या है कि मेटल और लिगेंड के जैसे कोई भी बॉन्ड आपने पास, अब इलेक्ट्रॉन एक के होते हैं और शेयर दोनों कर रहे हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है। फिर हमने इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखा, F1 होना चाहिए, फ्लोरिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन H, ये हम ओवरऑल एक बार ब्रीफ में बता रहे हैं आपको कि ये चीज़ें हैं इस यूनिट की इंपॉर्टेंट। देन एक आया था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, मैं एक शॉर्ट में एक वीडियोज डाली थी हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, तो मेल पे आया था एक बच्चे का, मैं प्लीज एक लॉन्ग वीडियोज डिफरेंट एग्जांपल से और एक्सप्लेन कीजिए, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दैट वीडियो। अब देखिए सपोज
व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज. पहली थिंग्स फॉर्मल नाम है, फॉर्मेलिटी मतलब एक्चुअल में चार्ज नहीं होता कितना है आपका. हम बताते हैं ना कि कोई न्यूट्रल है कोई नेगेटिव प्लस है, वो डिपेंड करता है हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग चार्ज अलग अलग हो जाता है. फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज नहीं होता. बट केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर्स अगर आती हैं उसकी हेल्प से आपको कहेंगे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिए. ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियोज में आपको इसकी बना के दिखाई थी, तो एक बच्चे को थोड़ा सा कम, तो इसलिए O3 की बनाई थी आपने. कैसे बनाई थी O3 की, देखिए एक बात आपको पता, कई बच्चे सोच रहे हैं मैम ऐसे क्यों नहीं बनाते स्ट्रक्चर्स, हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर्स क्यों होती है, क्या थिंग्स होती है, ये होती है लीनियर स्ट्रक्चर्स, ये बैंड टाइप की. लीनियर स्ट्रक्चर O3 की नहीं होती कभी भी, हमेशा बैंड टाइप की ये मिलती है क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से जब देखा जाता. अब देखिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्ट्रक्चर्स की सिंगल बोन करना है डबल बोन, तो उसके लिए क्या थिंग्स होती है, आपको ऑक्टेट पूरा करना होता है एटम्स का. ऑक्टेट का क्या मतलब है, 8 इलेक्ट्रॉन अगर उनके हो जाते हैं लास्ट सेल में तो दैट मीन्स वो स्टेबल है. अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज एक काम और कर लीजिएगा आप, जब भी आप किसी भी के बीच में बॉन्ड बना रहे हो तो सिंगल बॉन्ड तो आना ही है, फिक्स है ये, तो सिंगल बॉन्ड के बिना तो है होगा नहीं कोई भी. फिर हम देखते हैं कि डबल आएगा ट्रिपल आएगा, उसके लिए ट्रिक देखिए क्या होती है. चलो हम स्टार्टिंग से आपको बना के दिखाते हैं. ऑक्सीजन लिख लीजिए बीच में यहाँ पे, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन. एंड एज यू ऑल नो ऑक्सीजन हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6. एंड एक थिंग सो स्टूडेंट्स हम आपको क्लियर कर दें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं. सपोज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. 20 तक मतलब 30 तक आपको रिमाइंड होना चाहिए, 11th एंड 12th के स्टूडेंट हो आप अभी तो याद होना चाहिए, 30 तक चलोगे तो काम चल जाएगा. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, जैसे आपने 10th तक ये सीखा था कि 11 में इलेक्ट्रॉन फिल करना, पहले में 2, लास्ट सेल में कितने हैं, 6. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जो बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6. तो आपसे कोई पूछ ले यानी क्वेश्चन कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, 6. बट आपसे पूछ ले वैलेंसी कितनी है, तो आप बोलोगे 2, और वो भी कौन सी, -2. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम, वैलेंसी की एक सिंपल सी ट्रिक होती है. अगर स्टूडेंट के बाहर वाली सेल में वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 तक है, तो जितने आपकी वैल्यू आई ना वही आपका आंसर. ओके, बट अगर ये वैल्यू 5, 6, 7, 8 ऐसे आ जाए तो आपको 8 में से माइनस करना है जो वैल्यू है. अब 8 में से माइनस किया कितना, 6, तो कितना 8 में से 6 गए तो कितने आते हैं, 2 आते हैं. अब आपको पता लगाना है कि -2 है +2 कैसे. अब देखिए इसके पास 6 है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें पता है कि हर एक कंपाउंड चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, वो स्टेबल हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इनको, तो यहाँ 6 है. अब 6 है इसके पास, 8 चाहिए तो वो गेन करेगा. एंड केमिस्ट्री में हमें पता है कि गेन जब भी कोई एटम करता है इलेक्ट्रॉन को गेन, तो उस पर माइनस चार्ज आता है. अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है आपके पास तो उस पर प्लस चार्ज आता है. ये सिंपल सी बात सभी स्टूडेंट्स को रिमाइंड रखनी है, अगर कोई गेन कर रहा है तो माइनस चार्ज, एंड कोई आपका क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो कैसा चार्ज आएगा आपका, प्लस चार्ज आएगा. ओके, अब देखिए 6 है, 2 इसको लेनी है, गेन करेगा तो दैट मीन्स -2 इसकी वैलेंसी हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे. अब आपको यहाँ पे याद रखना, जब भी आप लेवी स्ट्रक्चर बनाते हो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाने होते हैं. अब यहाँ लगा दिए, सपोज आपने ये 2 यहाँ कर दिए, हमने मान लो 2 यहाँ कर दिए, 2 यहाँ, ठीक है, ऐसे इसके कर लीजिए 2, 2, 4 और 2, 6 यहाँ लगा दिए हमने, ऐसे कर लीजिए इसके 2, 2, 4 और 2, 6 यहाँ लगा दीजिए. ओके, सही है. अब देखिए, अब पहले आप बना लीजिए इनका सिंगल बॉन्ड, क्या बना लीजिए, सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ेंगे, ऐसे तो नहीं. अब आपको पता होगा या नहीं पता तो भी याद रखना, जब आप एक सिंगल बॉन्ड बनाते हो तो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. ओके, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है आपको, 2 की. अगर 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड बना रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 4 की. तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर लें, अगर यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाए, सिंगल, कैसा बॉन्ड आ गया, सिंगल. अगर यहाँ देखिए ये वाला क्या था, सपोज हम इस वाले इलेक्ट्रॉन, इसने एक इस वाला यूज कर लिया, एक इस वाला, तो कैसा बॉन्ड आ गया, सिंगल. ठीक है, अब चेक कीजिए आप, अगर आपने सिंगल बॉन्ड बना दिया इनके बीच में तो ये क्या स्टेबल है, ऑक्टेट पूरा हो गया क्या, लेट्स सी, चेक करते हैं. देखिए 2, 4, 6, 8 पूरा इस कार्ड, 2, 4 और 2, 6 और एक कितना बना, 7, नहीं पूरा हुआ. अब देखिए 2, 4 और कितना हुआ, 6 और 1, 7 नहीं पूरा हुआ. तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक के बीच में, क्योंकि देखा भी जाता है O3 की जब स्ट्रक्चर्स होती है तो 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल मिलता है, एक में डबल. अब आप यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी, वो आपकी इच्छा है. मान लीजिए अब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये वाला आपस में यूज हो रहे हैं, तो आपको पता है कि 4 हो गए तो कितने, कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल. अब ये स्ट्रक्चर स्टेबल है. अब देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं तो यहाँ कैसा बॉन्ड आ गया, अब चेक कर लीजिए 2, 4, 6, 8 इसका ऑक्टेट पूरा,
2, 4, 6, 8 इसका ऑक्टेट पूरा, 2, 4, 4, 8 इसका ऑक्टेट पूरा। तो ये आपकी बन गई ऑक्सीजन की O3 की लेवी स्ट्रक्चर। अगर इसी को आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो क्या होता है, देखिए पहली कंडीशन, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे ऑलवेज यूज डबल हेडेड एरो, ऑलवेज यूज डबल हेडेड एरो। रेजोनेंस का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, वैसे हम एक सेपरेट वीडियोस लेके आएंगे, उसमें बताएंगे आपको कि हाउ टू मेक रेजोनेंस, व्हाई वी नीड रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस हाइब्रिड, बट दिस थिंग्स ओके। तो यहाँ पे रेजोनेंस का सिंपल मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आपको पूरी रिंग में घुमाना होता है, सिंपली मीनिंग रेजोनेंस। आया क्यों था कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब एक स्ट्रक्चर होती है किसी भी एटम की, मोलिक्यूल की, तो ऑल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसलिए हमें बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ती हैं। अब देखिए मान लो आप नंबर दे दीजिए, सपोज इसको 1, 2, 3 ठीक है, हम चाहते हैं कि ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ डबल आ जाए। अब इस स्ट्रक्चर्स में क्या है, पहले ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे 1 और 3 में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे डबल आ जाए, यहाँ क्या आ जाए, सिंगल, क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर्स में होना तो एक ही है। तो क्या करें हम, अगर बताइए ये ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दें ओके, और ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन फिर से इसके पास आ जाए, तो क्या स्ट्रक्चर्स बन जाएगी स्टूडेंट, इसको हमने कुछ नहीं किया, या सिंगल हो गया तो 2, 4, 6 इसके वापस आ गए, यहाँ डबल हो गया तो यहाँ कितने बचे, 2, 2, 4 इसका नंबर 1 था 2 था 3 था। अब इसकी बन गई 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किया क्या हमने, इस डबल को यहाँ सिंगल में कर दिया, यहाँ सिंगल डबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी इसकी, 2 बन गई। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, क्या क्वेश्चन था, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का सिंपल सा एक फार्मूला होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में लोन पेयर माइनस में हाफ ऑफ एस, काफी इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया तो सारे एग्जांपल्स ऐसे ही सॉल्व होंगे। अब सपोज आप 1 एटम का निकाल रहे हो ओके, तो 1 एटम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हमें पता है 6 होते हैं। एल, एल का मतलब होता है उसके लोन पेयर कितने हैं, जिसने लोन पेयर मतलब जिन्होंने बर्निंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कितने बचे थे इसके ऊपर, 2 लिख लीजिए, माइनस हाफ ऑफ एफ, वट इज एस, एस का मतलब है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी देखिए कितनी बॉन्डिंग हो रही है, एक बॉन्ड में कितने यूज है, 2, तो 2 यहाँ से 4 और 6, तो कितनी आ गई वैल्यू, इसकी वैल्यू 6, तो 2 दिए 6, तो 6 - 5 क्या, तो कितना आ गया, दैट मीन्स इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कितनी है, +1। लाइक इसी वजह से आप इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो ओके। तो ये अब फॉर्मल चार्ज का एक फार्मूला था, लेवी स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं। ऑक्टेट रूल ने यह भी कहा था कि जो साइड आइटम, अब तो इस तीनों सेम टाइप के थे, उनका तो ऑक्टेट पूरा होना ही चाहिए। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनका सेंट्रल एटम का 8 से ज्यादा हो जाते हैं, वो हम अलग बताएंगे आपको ठीक है। ये रेजोनेंस था, तो आपने क्या बना लिए, लेवी स्ट्रक्चर्स बना ली। और याद रखना कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं आते, कभी भी वो काउंट नहीं होंगे सेंट्रल एटम में ठीक है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर से आपको बताया है, समझ नहीं आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियोस में आप बता सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग में कौन से टॉपिक्स का आपको नीड है, हम जरूर कोशिश करेंगे वीडियोस बनाने की ठीक है। और एक जो और कई बच्चे हैं जो MSc का बोल रहे थे, तो उसका भी देखने जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कंपिटेटिव पेपर में आने वाला है, उसकी करेंगे कोशिश बनाने की, फिर एक वीडियोज लेके आएंगे आपका TGT जो स्टेट साइंस के लिए बोल रहे थे बच्चे, तो सेपरेट 2 वीडियोज मिल जाएंगे, एक 6th क्लास की साइंस, कंप्लीट साइंस 2 वीडियोज में, 7th की, देन 8th, 9th, 10th केमिस्ट्री हम बात कर रहे हैं, उनकी साइंस हो जाएगी ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, तो समझ आए तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो, पहले आप खुद देखिए समझ आता है तो ही शेयर करें ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।